हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के पार्ट फोर में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ सॉइल। अगर किसी सॉइल के यूनिट वेट और डेंसिटी की बात करें तो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड यूनिट वेट और डेंसिटी, और इसे डिनोट किया जाता है गामा से। अब हमारे पास जो यूनिट वेट या डेंसिटी ऑफ सॉइल होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा इस बोर्ड पे, बल्क यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट है, सॉलिड यूनिट वेट है, सैचुरेटेड यूनिट वेट है एंड सबमर्ज यूनिट वेट है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वेट क्या होते हैं। सबसे पहले बल्क यूनिट वेट की बात करें तो इसे डिनोट किया जाता है गामा बी से, और ये रेशियो होता है W अपॉन V, यानी कि टोटल वेट ऑफ सॉइल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये आता है आपके पास बल्क यूनिट वेट, और इसे डिनोट किया जाता है गामा बी से। दूसरा आता है ड्राई यूनिट वेट, जिसे हम डिनोट करते हैं गामा डी से, और ये होता है WS अपॉन V, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल। अब देखो दोस्तों, यहां पे हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड क्यों आया? क्योंकि ड्राई सॉइल जो होती है उसमें वाटर नहीं होता है, और वाटर नहीं होगा तो केवल वेट किसका आएगा? सॉलिड का आएगा। तो WS अपॉन V आता है ड्राई यूनिट वेट। तीसरा यूनिट वेट या डेंसिटी की बात करें तो ये आता है सॉलिड यूनिट वेट। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सॉलिड का वेट एंड सॉलिड का वॉल्यूम आएगा, यानी कि इस ये जो रेशियो होता है ये होता है डब्ल्यू एस अपॉन वी एस, और इसे डिनोट किया जाता है गामा एस से। तो वेट ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आता है आपके पास सॉलिड यूनिट वेट या गामा एस से डिनोट करते हैं। फोर्थ आता है आपके पास सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट या डेंसिटी जो होती है ये होता है वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी कि सैचुरेटेड सॉइल जो है, जिस सॉइल में सारे के सारे वॉइड्स आपके वाटर से फिल हो रखे हैं, उसका वेट अपॉन टोटल सॉइल का वॉल्यूम, ये कहलाता है आपके पास सैचुरेटेड यूनिट वेट। नेक्स्ट आता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो रेशियो होता है ये आता है वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब सबमर्ज्ड सॉइल किसे बोलते हैं? ऐसी सॉइल जो पानी में डूबी हुई रहती है। तो पानी में डूबी हुई कोई भी सॉइल का जितना आप वेट लेते हैं वो कहलाता है सबमर्ज्ड सॉइल का वेट, और उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का जब डिवाइड किया जाता है तो ये आता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो इस तरह से हमने पढ़े, बल्क यूनिट वेट गामा बी होता है डब्ल्यू अपॉन वी, ड्राई यूनिट वेट गामा डी होता है सॉलिड का वेट अपॉन वॉल्यूम, सॉलिड यूनिट वेट होता है वेट ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू टोटल वॉल्यूम, सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल टू वॉल्यूम। अब जब हमें ये यूनिट वेट या डेंसिटी पता होती है तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके सीक्वेंस, यानी कि सबसे ज्यादा यूनिट वेट या डेंसिटी किस कौन सी होती है, और ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसकी होती है। तो अब मैं आपको इनमें से बताऊंगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट वेट या डेंसिटी, कि गामा या यूनिट वेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। सबसे ज्यादा जो यूनिट वेट होता है ये होता है सॉलिड यूनिट वेट, जिसे हम डिनोट करते हैं गामा एस। अब दोस्तों क्यों ऐसा होता है? आप देख सकते हैं कि सारे के सारी वैल्यू के नीचे
वी आ रखा है यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ रखा है, जबकि केवल एक सॉलिड यूनिट वेट है जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ रखा है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू में जो फ्रैक्शन में होती है, अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर वाली वैल्यू अगर छोटी होती है तो वो वैल्यू हमेशा क्या आती है, बड़ी आती है। और यहां में सबसे छोटा वैल्यू है Vs यानी कि गामा एस सबसे अधिक होगा। सॉलिड यूनिट वेट के बाद आता है आपके पास सैचुरेटेड यूनिट वेट। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे जो गीली सॉइल होती है, गीली मिट्टी होती है, उसका वेट हमेशा ज्यादा होती है, गीली मिट्टी हमेशा हैवी होती है। तो सॉलिड यूनिट वेट के बाद आएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसी में अगर मैं निकालना चाहूं तो आपको पता होना चाहिए सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो है ये सबसे हल्का होगा, यानी कि इसका यूनिट वेट सबसे कम होगा, क्योंकि आप पानी में कोई भी चीज डालेंगे या पानी में कोई भी चीज डूबी हुई रहेगी, उसके वेट में हमेशा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है या कमी आ जाती है। तो एक चीज हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि सबसे कम वेट आएगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो तीन चीज हमें पता चल गई, सबसे ज्यादा सॉलिड यूनिट वेट होता है, फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है, और सबसे कम होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब हमारे पास दो सॉइल बचती है, एक दो टाइप के यूनिट वेट बचते हैं, एक बचता है बल्क और दूसरा बचता है ड्राई यूनिट वेट। अब इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, देखिए दोनों के नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वी है, ठीक है। जब नीचे सेम होता है ऊपर देखिए, यहां पे है टोटल वेट ऑफ सॉइल, पूरी की पूरी सॉइल का वेट है, जबकि यहां पे है वेट ऑफ सॉलिड। तो टोटल वेट ज्यादा होगा सॉलिड के वेट से, क्योंकि इसमें वाटर का वेट भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि गामा बी या बल्क यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां पे आ जाएगा, पहले सीरियल में आएगा गामा बी और फिर आएगा गामा डी। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास वैल्यू मिल गई कि सबसे ज्यादा यूनिट वेट होता है सॉलिड, फिर सैचुरेटेड, फिर बल्क, फिर ड्राई, और फिर होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो इस तरह से हमने अलग अलग यूनिट वेट या डेंसिटी पढ़ी और साथ ही इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूं किसी भी सॉइल का यूनिट वेट या डेंसिटी निकालने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। किसी भी सॉइल के यूनिट वेट या डेंसिटी निकालने के मेनली आपके पास चार मेथड होते हैं। और चार मेथड कौन से होते हैं, पहला मेथड होता है कोर कटर मेथड, दूसरा आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तीसरा रहता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, एंड चौथा आता है वाटर बलून मेथड। अब दोस्तों हम एक एक करके चारों के चारों मेथड पढ़ते हैं कि इनसे कैसे यूनिट वेट और डेंसिटी निकाली जा सकती है, और बहुत इजी मेथड होते हैं और इजीली आप किसी भी सॉइल का यूनिट वेट और डेंसिटी निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। पहला होता है कोर कटर, एक सिलेंडर शेप में होता है जिसका डायमीटर 100 mm और हाइट होती है 130 mm। इस कोर कटर का यूज क्या होता है कि इसे सॉइल में रख के फिर इसे सॉइल में अंदर डाला जाता है, और जब बाहर निकाला जाएगा तो इसमें आपके पास सॉइल सैंपल भर के आता है। इस कोर कटर के ऊपर लगाई जाती है डॉली जिसकी हाइट होती है 25 mm, और इसके ऊपर कोर कटर के ऊपर डॉली को लगा के एक ढक्कन नुमा शेप क्या होता है, इसको लगा के फिर इसके ऊपर लगभग 6 या 9 kg का रैमर लगाया जाता है, और फिर रैमर की हेल्प से इसको नीचे प्रेस किया जाता है। जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, ये आपके पास कोर कटर है, इस कोर कटर के ऊपर डॉली लगी हुई है, और इसके ऊपर रैमर से क्या लगाया जा रहा है, लोड अप्लाई किया जा रहा है। जब हम इस रैमर की हेल्प से इसको अंदर प्रेस करते हैं तो ये यहां से नीचे 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 जाएगा, और जब
डॉली लगभग 1.5 mm ऊपर रहती है तब आपने इसको रोक देना है। और अब इस कोर कटर को जब आप ऊपर खींचेंगे तो इसमें आपके पास पूरा का पूरा सॉइल सैंपल फिल होके आएगा। जो सॉइल सैंपल इसमें फिल होके आएगा आप उसका वेट नोट कर लेते हैं, तो वेट जितना भी उसका आएगा ये आएगा वेट डन। और जितना इस कोर कटर का वॉल्यूम होता है आप यहां से निकाल सकते हैं, डायमीटर 100 mm और हाइट 130 mm से आप इसका निकाल सकते हैं वॉल्यूम। और दोस्तों जब आपके पास वेट पता होता है, वॉल्यूम पता होता है, तो नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता है कि बल्क यूनिट वेट या यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरह से कोर कटर की हेल्प से हम इजीली यूनिट वेट या डेंसिटी ऑफ सॉइल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में हमारे पास यूज की जाती है एक मेटल ट्रे जिसमें बीच में होल हुआ रहता है, और दूसरा यूज किया जाता है सैंड पोरिंग सिलेंडर, यानी कि इस सिलेंडर में सैंड फिल की जाती है और नीचे से एक गेट लगा रहता है, जैसे हम गेट को खोलेंगे सारी सैंड आपके पास नीचे आ जाएगी। अब ये टेस्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम मेटल ट्रे को ग्राउंड में रखते हैं और जितना ये बीच का होल इसमें किया गया है इससे यहां पे होल करना स्टार्ट करते हैं, और जितनी सॉइल आती है उसको मेटल ट्रे में इधर उधर फेंकते हैं। लगभग हम 15 सेंटीमीटर गहराई का होल करते हैं। अब जब ये 15 सेंटीमीटर गहराई का होल हो जाएगा उसके बाद इस मेटल ट्रे को लेते हैं और जितनी भी इसमें सॉइल भरी रहती है उसका हम वेट नाप लेते हैं। और माना यहां से जो सॉइल का वेट आता है ये आता है डब। तो देखिए यहां पे मैंने भी आपको दूसरे तरीके से दिखाया है कि ये होल है जो मेटल ट्रे की वजह से हमारे पास आ गया, और इसकी जितनी सॉइल इससे निकली उसका हमने वेट नोट कर लिया डब। अब जहां पे मेटल ट्रे से होल हुआ है इसके ऊपर हम सैंड पोरिंग सिलेंडर को रख देते हैं, और सैंड पोरिंग सिलेंडर का यहां से गेट खोल देते हैं, इससे सारी की सारी सैंड जो है ये इस होल में फिल हो जाएगी। अब जितनी पहले ही जितनी सैंड इसमें फिल की गई है इसकी हम क्वांटिटी या वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वहां से हम देखते हैं कि इस होल में कितना वॉल्यूम सॉइल सैंड फिल हुआ। जितना सैंड का वॉल्यूम इसमें फिल हुआ है उस वॉल्यूम को हम नोट कर लेते हैं वॉल्यूम वी। अब देखिए दोस्तों मेटल ट्रे से जो सॉइल आई उसका वेट हमने ले लिया, और जो इस होल से जितनी मिट्टी निकली उसने कितना वॉल्यूम कवर किया था वो हमने कैसे निकाल दिया इसमें सैंड की फिलिंग करके, इसीलिए इसे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। तो वेट कैलकुलेट हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, तो अब हम इजीली गामा इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी या यूनिट वेट इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम से इस सॉइल का यूनिट वेट या डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास दूसरा मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास आता है दोस्तों वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मेथड जिसमें वाटर को डिस्प्लेस किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सॉइल सैंपल लेते हैं जिसका हमें यूनिट वेट या डेंसिटी निकालना है, और उस सॉइल सैंपल का वेट निकाल लेते हैं और माना इसका वेट कितना है डब्ल्यू है। दूसरा हम यहां पे एक कंटेनर लेते हैं जो कि वाटर से पूरा का पूरा फुल भरा हुआ है, और इसी के साथ इसके साथ एक दूसरा कंटेनर लिया जाता है जो स्टार्टिंग में खाली होता है। अब डब्ल्यू वेट की सॉइल को हम इस कंटेनर में ऊपर से डालते हैं, तो आपको पता है
जब ये कंटेनर फुल होगा पानी से भरा हुआ और जब हम इसमें सॉइल डालेंगे तो यहां से इसका वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा और ये इस कंटेनर में फिल हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यहां से वाटर उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना इस सॉइल का वॉल्यूम होगा या जितना एरिया या जितना वॉल्यूम ये सॉइल कवर करती होगी। तो हमने इस वाटर में सॉइल डाला और यहां से वाटर डिस्प्लेस हो गया। यहां से कितना वाटर डिस्प्लेस होता है इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम। तो देखिए जितना यहां पे वाटर आया और इसका जितना वॉल्यूम होगा यानी कि उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, सॉइल का होगा। क्यों? क्योंकि सॉइल उतना ही वाटर हटाएगी जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। तो सबसे पहले हमने वेट लिया और फिर यहां से हमने क्या निकाल दिया, इसका वॉल्यूम। और अब हम डायरेक्टली गामा इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी से इस सॉइल का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना सिंपल मेथड है जिसमें वाटर को डिस्प्लेस करके हमने वॉल्यूम निकाल के इसका क्या निकाल दिया, यूनिट वेट या डेंसिटी। इस मेथड में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कभी कभी ताकि सॉइल जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब ना करे, हम इस सॉइल पे बाहर से पैराफिन वैक्स, क्या बोल के चलते हैं, पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। और पैराफिन वैक्स की कोटिंग करने से जो आपके पास ये वाटर होगा ये सॉलिड पार्टिकल या सॉइल पार्टिकल उसे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इसका यूज करके, इसका यूज भी हम इस टेस्ट में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैसे हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेट या डेंसिटी। अब मैं आपको बताता हूं लास्ट और फोर्थ मेथड, वाटर बलून मेथड। वाटर बलून मेथड सेम टू सेम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की तरह होता है, लेकिन इसमें सैंड का यूज ना करके हम वाटर का यूज करते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले मेटल ट्रे से जिस सॉइल का आपको यूनिट वेट निकालना है उसके में होल कर देते हैं। तो मेटल ट्रे में होल, मेटल ट्रे से होल से सारी की सारी सॉइल को लगभग कहा जाता है कि 15 सेंटीमीटर डेप्थ की सॉइल आपने निकालनी है। हम सॉइल यहां से निकालेंगे मेटल ट्रे में और इसे यहां से हटा के हम इसका वेट नोट कर लेंगे और माना सॉइल का वेट आ रहा है डब। अब जो होल हमारे पास यहां से आया रहता है हम इस मेथड में इस होल में एक पॉलिथीन कवर चढ़ा देते हैं इस तरह से। और पॉलिथीन कवर चढ़ाने के बाद हम इस होल को पूरा का पूरा पानी से फुल भर देते हैं। पानी से फुल भरने के बाद अब हम पॉलिथीन को उठाएंगे साथ, पानी के साथ पॉलिथीन को उठाएंगे और किसी जार की हेल्प से हम क्या निकाल देते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं कि इस पॉलिथीन में कितना वाटर आपके पास आया। तो जितना पानी इस पॉलिथीन में आएगा यानी कि इस होल में उतना वॉल्यूम क्या हो रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जितना वॉल्यूम इस होल का होगा यानी कि सॉइल का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। तो यहां से आपके पास मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और अब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कि यूनिट वेट इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट वेट और डेंसिटी। तो दोस्तों इस तरह से पहले मैंने आपको इस वीडियो में यूनिट वेट या डेंसिटी बताई कौन कौन से होते हैं, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर बताए और फिर मैंने आप लोगों को चार मेथड पढ़ाए जो कि थे आपके पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड और वाटर बलून मेथड। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।